वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग चाहते हैं कि आपके बाल सिल्की स्ट्रेट शाइनी इधर से उधर उधर से इधर हिलते जुलते नजर आए, एक एक बाल तार तार नजर आए इस ईद पर। और लोग पूछे कि यार आपने किया क्या है अपने बालों के साथ, ये कॉम्प्लीमेंट बनना चाहिए। अब लोग पूछे कहाँ से केराटिन करवा के आए हैं। भाई ये केराटिन बहुत सस्ता होने वाला है, सिर्फ 2 चमचों से होने वाला है, घर की चीज़ों से होने वाला है। आपके इतने उसके हैरान कुल फवायद हैं कि आप कहेंगे कि यार मेरे बालों के साथ क्या हो गया। सिल्की स्ट्रेट अलग अलग तार तार बाल आप लोगों का देखेगा। बस जनाब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने पहले मेरे चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, शेयर करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है कि मेरी जितनी सारी मुफीद वीडियोज़ हैं वो आप लोगों तक पहुँच सके, ठीक है ना। कर लिए चैनल सब्सक्राइब, जबरदस्त। चलें जी, इस ईद पे हर बंदा चमकेगा धमकेगा और बड़ा ही खूबसूरत लगेगा इंशाल्लाह ताला अजीम। हम लोगों ने क्या करना है, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हम लोगों ने लेना है, क्या लेना है, हाँ अभी बताती हूँ, स्किप नहीं करना, वीडियो पूरी एंड तक देखनी, इसलिए कि फिर सा कोई भी इंग्रेडिएंट्स आपसे ऊपर नीचे ना हो, मिस ना हो। हमने लेने हैं 2 चम्मच चावलों के, ठीक है। कोई भी चावल पाउडर आप ले सकते हो, फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास चावल काटा पड़ा था, मैं चावल ले रही हूँ। हम लोगों ने 2 कप पानी डाला उसमें, अच्छे से पहले हम लोगों ने आपस में इसको मिक्स कर लिया, डिजॉल्व कर लिया कि किसी किस्म का लम ना बने। फिर चूल्हे पे रखा, चूल्हे पे चढ़ाया और तब तक पकाया जब तक हमें पता नहीं लगता कि भाई इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो गई है, ये बनना स्टार्ट हो गई, ये पक गए। अच्छा जनाब सॉरी, तैयार हो गया, बन गया, थिक फॉर्म में आ गया। आपने इसको उतार के साइड पे थोड़ा सा लेट इट कूल जाए, ठीक है, ठंडा यह हो गया। फिर आप लोग क्या करना है, कोई भी एक बनाना लेना है जो बिल्कुल थोड़ा सा गल सड़ जाए, वो उस बनाने के ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो ज़्यादा बेनिफिट देता है आप लोगों को। आप लोगों ने इसको रिप करना है, मैश 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 मैश, इसको खूब मैश करना है। मैश करके आप लोगों ने कोई भी ब्लेंडर या ग्राइंडर व्हाटएवर यू हैव, जो इजीली आपके पास अवेलेबल हो, उसमें डाल देना है, ठीक है। उसमें आप लोगों ने बलाई वाला दूध डालना है, ठीक है। मैं फिर बता रही, बलाई जिस पे मोटी बलाई आई वो दूध है ना, कोई भी दूध ले सकते हैं, बट मेक श्योर अगर बलाई हो तो बलाई हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी, हमारे बालों को रिच मॉइस्चराइज करता है, जो हमारे स्प्लिटेंस ड्राई हो चुके होते हैं उसको रिपेयर करता है, ठीक है, हमारे बालों को सॉफ्ट करता है और शाइन लेकर आते हैं, जो उड़े उड़े झाड़ियों जैसे बाल होते हैं ना उनको रिपेयर करता है। अच्छा जी, हम लोगों ने इस फॉर्म में क्या करना है, हम लोगों ने इसको ग्राइंड कर लेना है, ठीक है। ग्राइंड कर लिया या जो भी आपके पास हैंड, मैंने हैंड ब्लेंडर से किया, आप लोगों के पास जो चीज़ अवेलेबल आसानी से आप उस तरीके से कर सकते हैं। वो सारा मटेरियल मैं निकाल के चावलों के पेस्ट में मैंने ऐड कर दिया। साथ में मैंने इसमें ऐड किया है ऑलिव ऑयल। आपके पास अगर कोकोनट ऑलिव है, ऑयल है, यानी कोई भी ऑयल पड़ा हो जो आसान हो, आसानी से आपके घर में मौजूद हो, आपने वो ऑयल इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। और इसमें मैं एक लेमन, जो कि स्किप नहीं करना, लेमन हमारे स्कैल्प के लिए अच्छा है क्योंकि वो हमारे बालों से डैंड्रफ को ख़त्म करेगा, ठीक है, हमारे स्कैल्प को हेल्दी रखेगा, हमारे बालों में शाइन लेकर आएगा, हमारे बालों को सॉफ्ट करेगा क्योंकि वो बैक्टीरिया को किल करेगा। हमने इसमें जैसे इसमें से एक लाइम डाल दिया, इसको अच्छे से हम लोगों ने मिक्स करना। आप चाहे तो इसमें विटामिन ई के कैप्सूल्स भी डाल सकते हैं, ग्लिसरीन भी डाल सकते हैं, ठीक है, जो चीज़ें आप लोगों के पास आसानी से अवेलेबल हो। और अगर सपोज आपके पास फ्रेश दूध जो है उसके ऊपर मलाई नहीं है तो आप कोई भी मलाई उसमें ऐड कर सकते हैं, जो मार्केट वाली होगी आप उसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। आप लोगों ने सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेना है और आप लोगों ने जड़ों से लेके लेंथ तक, ठीक है, रूट टू टिप, आप लोगों ने सारा इंटायर अपने बालों को कवर करना है और एंड स्पेशली आपने भर भर के कवर करने हैं। कोई भी शावर कैप, कोई भी शॉपर आपके घर में पड़ा हो वो उसको चढ़ा दे, चलते फिरते आप लोग अपने काम भी करते जाए और 2 घंटों के लिए उसको बालों में लगे रहते थे। शॉपर चढ़ाने का पर्पस ये होगा कि मटेरियल अंदर गर्म रहेगा, जितना वो गर्म रहेगा उतना ही आपके बालों को फूड प्रोवाइड होता रहेगा, आपके बालों में वो रिच मॉइस्चराइज आ जाएगा और डीपली एक एक बाल एक एक स्ट्रैंड तक वो आपके लिए बालों पे वर्क करेगा, आपके बालों को रिपेयर करेगा, ठीक है। तो ये इतना बेहतरीन घर केराटिन मास्क है जो हजारों रुपए हम लोग सैलून में तबाह बर्बाद कर देते हैं, इससे उसके बाद में हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, नीचे से ड्राई हो जाते हैं उसके एंड,
तो ये तो आपके बालों को ये वाला केराटिन बजाय ड्राई करने के रिपेयर करेगा घर में आसान, यानी आपके 50 से 60 रुपए में या 100 रुपए के अंदर अंदर मजेदार सा केराटिन ट्रीटमेंट आप लोगों का तैयार हो जाता है और बालों में ऐसी कोई शाइन लेकर आएगा ना कि आप खुद कहेंगे कि यार वाह, लश्कारे मारेंगे आप लोग इस ईद पर। और हर कोई पूछेगा कि कहाँ से केराटिन या बोटॉक्स करवाया, इतना जबरदस्त का रिजल्ट है। फिर 2 से 3 घंटे के बाद आप लोगों ने क्या करना है, किसी भी माइल्ड शैम्पू से इसको वॉश कर लेना है और कोई भी आपका जो फेवरेट कंडीशनर हो या मास्क हो एयर, वो आप लोगों ने अपने लेंथ में अप्लाई कर लेना है। दैट्स इट। उसके बाद अपने वॉश किया, सीरम लगाया और जी एंजॉय करें। आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी। लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ट्रिप के लिए मेरी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।